सुबह सुबह कोहरा था, मस्त छट गया। फ्रॉम वायनाड। सो अभी आज हम लोग वायनाड में है। आज अभी मस्त कल खा के मस्त नींद आई है, उठे हैं 8:30 हो गया, लेकिन अभी भी कोहरा है। बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है। अब उठते हैं, ये मैडम तो घोड़े बेच के सो रही है। और पिक्सी देखिए, पिक्सी को पता नहीं गर्मी लगे क्या लगी, वो अपना पूरा बेड बाहर निकाल ली। तुमको टिटीरी बोला? नींद देखो, नींद देखो। ओ पापा, ओहो। चले पिक्सी बाहर चले हैं, देखो क्या मस्त बाहर कोहरा था अभी 1 घंटे पहले ही, कुछ नहीं दिख रहा था। अभी देखो सब दिखने लगा। अरे नहीं, कूदने नहीं जा रहे। इधर से भी खोले, इन्फिनिटी व्यू आएगा। वाह वाह वाह, सुबह सुबह क्या मस्त फ्रेश नींद, ये हुई ना बात। खाना नहीं ले गया रात का, तो ये है यहाँ से पूल और सामने इन्फिनिटी व्यू। ये वीना पार्क, ये देखिए ऐसे आएगा इन्फिनिटी व्यू। बाहर चलते हैं। पिक्सी, पिक्सी। सो मैं झूले में बैठी हूँ और ये नज़ारा सामने का, आहा बढ़िया लग रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए निकले हैं, 10 बजने वाला है। और ये क्या, तुम मेरा टी शर्ट क्यों पहन लिए? यही होता है जो पति पत्नी सेम साइज के हो जाते हैं। कपड़े दल बदल के पहन सकते, जैसे भाइयों में होता था जब सिंगल थे तो अपने दोस्त लोग बदल, अभी तेरी टी शर्ट ले जा रहा हूँ, आज तेरे शर्ट ले जा रहा हूँ। अभी हम या बीवी में वो एक्सचेंज होता है जब बराबर हो जाते हैं। एक्चुअल में ये तुम्हारा ही था, तुमने गोवा में पहना था और मैंने कल पहन लिया था, आज फिर तुमने पहन लिया। तो अब तुम्हारी टी शर्ट मैं तो नहीं पहन सकता, लेकिन मेरी तुमको आ जाएंगी। बढ़िया, कुछ लेके आते हैं, ठीक है? अभी तुमको नहीं ले चलते, खाना खा के आते हैं, फिर चलते घूमने, तब तक तुम बैठो यहीं पर। ओके, गुड गर्ल, चलो। पिक्सी क्या खाओगी, ब्रेड बटर खाओगी कि दाना खाओगी? दाना नहीं, अंडा खाएगी। आज के लिए बॉयल्ड एग लेके आएंगे। चलो चलो। या तो वो लोग लोटस स्टम ले रहे हैं या फिर ओ सिंगाड़ा, देख रहे हो पहले ओ दूर है? लोटस है। अरे मैडम, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं और ये देखिए सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के रूम है, सब ऊपर भी है, ये टेंट स्टाइल भी है। सो सबके अलग अलग प्राइसेस है। नाश्ते के बाद ना नींद नींद सी आ रही है, सो जाते कौन जाए। कौन घूमने जाए? ये ऐश, थोड़ा बाहर निकलो, गर्मी आओ, पूल में घुसो और फिर वापस आके लेट जाओ बस। एक्चुअली ना तैयार होके नाश्ता करके वहीं से निकल देते तो ठीक था।
फिर वापस रूम में आने के बाद ना लगता पूरा है आलस आ रहा, पूरा आलस। मतलब ये मन कर रहा है बस थोड़ी देर जाओ, ठंडक लगती है, जाओ बाहर धूप में बैठ जाओ, फिर आओ अंदर पूल में नहा लो, फिर आओ सीधे बेड पे लेट जाओ। तो वही हो रहा है, सन पूल बेड, सन पूल बेड। सबसे अच्छी लाइफ तो इन मैडम की है। हमने कहा सबसे अच्छी लाइफ तुम्हारी है, न किसी से लेना एक न देना दो, है कि नहीं? न जिंदगी में टेंशन न कुछ, बस तुमको कैरी करके ले रहे हैं, गाड़ी में ले रहे हैं, खा रही हो, पी रही हो, सो रही हो, है ना? यही है ना लड़की? चो जाओ ले में बच्चा, चो जाओ, चो जाओ, गुड गर्ल है भाई, गुड गर्ल, चो जाओ। चले कहीं, चले लेट्स गो। कहाँ चलना है? लेट्स गो वे यू वांट टू गो लड़की। सो फाइनली हिम्मत हो गई रूम से निकलने के लिए, टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग अभी थोड़ा सा साइट सीइंग करने जाएंगे ड्राइव पे। सो पहले हम कहाँ जा रहे हैं? कारापुरा डैम। सो कारापुरा डैम जाएंगे, फिर वहाँ का व्यू देखेंगे, उसके बाद मेपाडी करके एक जगह है जहाँ पे शायद टी गार्डन्स है, और बनसुरा डैम है वहाँ भी जा सकते हैं। लेट्स सी, पहले जाते हैं कारापुरा डैम। और मानवी, मानवी ऑल सेट, मानवी भी एकदम पूरा दूध पी के एकदम फ्रेश होके बैठी है, साइट सीइंग कर रही है, है ना? है ना? नीनी भी आ रही है, नीनी भी आ रही है। कारापुरा डैम एंड गार्डन व्यू पॉइंट है ये, लेकिन यहाँ पे टिकट सिस्टम है, फिर चलना पड़ेगा आगे, सो वी आर स्किपिंग दिस। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है, अब जा नहीं पा रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है। केरलास लॉन्गेस्ट जिप लाइन, अच्छा ये जो ओवर वाटर जिप लाइन है। ईस्ट गेट है कारापुरा डैम का, वो उस तरफ है। सो अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं मेपाडी। सो मेपाडी में शायद टी गार्डन्स है और सीनिक भी है शायद, सो लेट्स सी। कारापुरा डैम से इट्स 13 किलोमीटर दिखा रहा है, अराउंड 30 मिनट्स ड्राइव है, सो लेट्स गो। क्या कर रहे हो? पानी खत्म हो गया है, याद है ये लास्ट राइड ट्रिप पे बनाया था, तब से रखा हुआ है, पूरी गल गई, तो यही डाल दे रहे, ऊपर से थोड़ा पानी डाल देंगे तो पेपर मार देंगे तो बढ़िया टर्न टर्न हो जाएगा। लो मनीष को कोई तो सब्सक्राइबर मिल गए। हेलो, चीज का मॉल, वहाँ खाना, आपके मम्मी पापा और पूरियां बन रही, हमारा वीकेंड वही होता है। सो सब्सक्राइबर मिले, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो अभी मनीष अपना गाड़ी धो रहे हैं, ठीक अंदर से आया, साफ हुआ, चलें। सो यहाँ पर कारापुरा डैम के पीछे हम लोग खड़े हुए थे, थोड़ा सा गाड़ी का कांच साफ कर रहे थे, और तभी हमारे एक लवली सब्सक्राइबर मेरे और उनकी पूरी फैमिली, सो वो लोग हमको फॉलो करते हैं शुरू से। उन्होंने बोला संजय भान जी हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं बट दे आर सेटल्ड इन बैंगलोर। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, पूरी फैमिली, उनकी दो बेटियां हैं, मम्मी थी साथ में, एंड लाइक दे वर सो हैप्पी। और हम लोग को भी अच्छा लगता है ना जब रास्ते में सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, एक पहचान हो जाती है, मतलब एक आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते हो, सडनली आप उनको सामने देखते हो एंड वो फीलिंग नहीं आती कि यार हम लोग दूर के लोग हैं या नहीं जानते एक दूसरे को, मतलब दे मीट सो फ्रेंडली, इतना लगाव से मिलते हैं ना कि लगता है अरे ये तो हमारी पुरानी जान पहचान है। तो इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग संजय भान जी, थैंक यू, और मजा आया आपसे मिलके। और कभी आपके यहाँ आएंगे जरूर हम, पूरा जो आपका उधर का जम्मू कश्मीर का फूड है, वाजवान है, बढ़िया मटन रोगन जोश है, वो मेरा फेवरेट है मटन, सो मटन रोगन जोश पक्का, जब भी मौका मिला तो हम जरूर आएंगे आपके पास।
तो चलिए आप कहाँ चलना है? मेपाड़ी। सो साइड्स में अभी कॉफी स्टेट्स के बीच बीच से हम लोग गुजर रहे थे, अभी आगे टी गार्डन्स आ गए हैं। सो कॉफी सिटी, ये देखो यहाँ मिलन हो रहा है, मिलन हो रहा है कॉफी और टी का, कॉफी और टी का मिलन। ये है ना तुम्हारा खाते जो हो, क्या ये क्या खाते हो ना, मिलता है। मेपाड़ी टाउन, सो आसपास यहाँ के पूरा टी गार्डन्स है, तो आपने ड्रोन शॉट्स देखे टी गार्डन्स के आगे भी होगा। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लकड़ी व्यू पॉइंट, सो लकड़ी करके एक जगह है, तो वहाँ पे लकड़ी नहीं है, लकड़ी 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 नहीं लकड़ी, हाँ तो लकड़ी करके एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ जाते हैं और उसके बाद वो Y3 होके ही जाते हैं शायद वाया Y3, और फिर वहां से हम लोग जाएंगे बानासुरा सागर डैम। पहुंच गए हम लोग Y3 टाउन। सो ये वायनाड पूरा, मतलब वायनाड करके कोई टाउन नहीं है क्या? वायनाड इज एन एरिया जो व्हिच इज अ हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में कई सारे टाउन है छोटे-छोटे। अच्छा, तो ये Y3 Y3 आई थिंक फेमस है यहाँ का ना। So, ये है लकड़ी व्यू पॉइंट और आप देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल हम टॉप पे हैं। समय पल्लवी मानवी को दूध पिला रही है तो अभी बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन ये देखिए यहाँ से ग्रीनरी, वाव सच अ ब्यूटी। और सही लग रहा है, तो देखिए नीचे गाड़ियाँ आ रही है वहाँ पर, तो रास्ता है ये, रास्ता सीधे कालपेटा और कोझीकोडे तक जाता है। बस ब्यूटीफुल ग्रीनरी, केरला को तो इसीलिए कहते हैं ना गॉड जोन कंट्री, आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा ग्रीन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब कैमरे में तो इतना नहीं आ रहा होगा बट जो आंखें देख रही हैं वो बयां नहीं कर सकते आपसे, बहुत सुंदर है। क्या मैडम सब जुजू गिरा दिया आज, तो बिलोटा लग रही हो तुम, बिलोटा ए बिलोटा। बिलोटा का मतलब? बिलोटा का मतलब बिल्ली का मेल बड़ा वाला। उसके ऊपर तुमने ऐसे लगा, बिल्ली भी नहीं बिल्ला लग रही है। अच्छा अच्छा। क्या हुआ अब बाहर आना है? आजो 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 आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, कम है आजो आजो आजो। क्या हो गया? पूरा आजकल खूब थूक निकाल ली है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, कहते हैं कि बच्चे को थूक निकलना चाहिए।
थर्ड मंथ से। अच्छा पिक्सी, पिक्सी इधर, ए कहाँ हो भाई पिक्सी? अच्छा ये यहाँ पर है, बाहर निकलना है। तोड़ दो ये क्या मेरा शीशा, वो बंदर चढ़ा रहा और ये चढ़ रही है। व्यू पॉइंट एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग वापस यू टर्न हो लिए और अभी जा रहे हैं बानासुरा सागर डैम पे। यहाँ से 32 किलोमीटर दिखा रहा है, ओह माय गॉड, 52 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर। आगे भी एक और व्यू पॉइंट था लेकिन हम लोग ऑलरेडी टॉप पे है तो क्या वहाँ जाना। और देखो एक चीज देखो, हर पहाड़ों में धुंध है, एक है ना। तो चलो बानासुरा सागर डैम चलते हैं, वहाँ पर शाम का टाइम इंजॉय करेंगे। बोटिंग तो तुम हमेशा मना करती रहती हो, स्पीड बोट है बल्कि वहाँ पर, कहीं चाय वाय पियेंगे। यार गर्मी हो ठंडी हो, एक चाय की चुस्की बिना मैं नहीं रह सकती। कोल्ड ड्रिंक मार दो। नहीं, कोल्ड ड्रिंक का मजा नहीं जो चाय में है। सवैत्री में पुकुड़े लेक है, सो बहुत सारी गाड़ियां उस तरफ जा रही थी। छोटा सा लेक है, उसमें शायद बोटिंग वगैरह भी होती है, तो एक टूरिस्ट स्पॉट है। हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बानासुरा सागर डैम। वायथ्री से वानासुरा सागर डैम के लिए दो रास्ते दिखा रहे थे, एक तो मेन आपका वायनाड वाला रोड था और ये एक अंदर से रोड है। दोनों का ही सिमिलर ईटीए दिखा रहा था पहुंचने का, सो हम लोग ये अंदर वाला रोड ले लिए हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स और वगैरह है, घर भी है, रेसिडेंशियल प्लेस है। थरुवना रोड और इस पे आगे शायद कबनी रिवर भी दिखा रहा था कहीं पर नाम। रास्ते में टी गार्डन्स दिखे तो मस्त, एक फोटो तो बनता ही है। बल्ली क्या मस्त वादियां हैं, हैं? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तुम कहाँ तक चल रही थी, ऊपर तक? डर नहीं लगा? हाँ आसाम वाली हो है, आसाम चाय फेमस, चुनती भी थी तुम चाय है। अच्छा सुनो, इसमें से देखो वो बर्ड्स निकाल दिए गए जो सबसे ऊपर वाला बता रहा था ना। हाँ, तीन कली वाला, तीन कली वाला तो व्हाइट टी कहते हैं उसे, यही तो है तीन कली। देखो नहीं, जो ऐसे भी जो चाय पत्ती निकलती है वो तीन कली से ही निकलती है ऊपर वाली से। हाँ तो ये सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें। सो ये देखिए कितनी गंदगी करके रखे हैं लोग, बियर की बॉटल्स, भाई पीते हो डस्टबिन में फेंको। प्लास्टिक पड़ा है, बियर की बॉटल पड़ी है, प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी है, सब ऐसे फेंक देते हैं। इतना बढ़िया व्यू पॉइंट है। हाँ व्यू पॉइंट मैंने देखा है जब मैं लास्ट टाइम आई थी, आई थिंक 4-5 साल पहले, तब बहुत क्लीन था। अभी मैं देख रही हूँ केरला में बहुत, मतलब टूरिस्ट ही है जो मतलब बाहर से आके बहुत गंदगी करते हैं। इवन मुन्नार भी गई थी तो वहाँ भी एकदम पूरा कचरा वचरा रास्ते के साइड में फेंका हुआ था। सीरियसली लोगों को समझना चाहिए कि मतलब ब्यूटी को तुम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आज तुम मजा ले लोगे, कल को तुम खुद ही आओगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग अपनी गाड़ी गंदी कर लेते हैं, सब सामान इसी में डालते रहते हैं, जब डस्टबिन मिलता है सब डाल देते हैं। क्या बोले लोग। ये क्या है, ये बाज है या क्या है? और वो देखो उसको परेशान कर रहा है। बाज इज ईगल राइट? हाँ आराम से बैठे हुए हैं दोनों, बस जुगलबंदी है, डर ही नहीं रहा यार। अभी तो पिछले कितने सालों से मैं आगे बैठ रही हूँ, आगे तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में पीछे जो मतलब मिडिल सीट में बैठने वालों के बैंड बज जाते हैं, बहुत
बॉडी रोल है भाई, इधर से उधर इधर से उधर। अच्छा उसीलिए मैं अभी स्कॉर्पियो लूंगी, स्कॉर्पियो में इतना बॉडी रोल नहीं है। ये तो कबनी रिवर है। कबनी रिवर लिखा हुआ है, कबनी रिवर। एक काम करते हैं, जो अभी स्कॉर्पियो घर जाके टेस्ट ड्राइव एक लेते हैं, ठीक है, और उसमें तुमको पीछे बैठाएंगे, बच्चे को बगल में बैठाएंगे, पीछे ताराकांत और दीपिका बैठाएंगे, एंड देन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग टेस्ट ड्राइव, क्योंकि स्कॉर्पियो पे हमने अभी तक नहीं की एक लॉन्ग टेस्ट ड्राइव। तो चलते अपने वाले भाई जो अपने काटीकोटी में नया खुला है ना महिंद्रा, उससे मांगेंगे, कहेंगे एक मैनुअल दो जरा कोलार तक होके आते हैं, चलेगा ना। वैसे दीपिका लोग ने कैंसिल किया, उन लोग को 10% कैंसिलेशन चार्ज लग गया। नहीं उनको नहीं लगना चाहिए, वो डायरेक्ट कॉल करके बोल सकते हैं कि तुम्हारा एक तो डेट्स तो चेंज हो रहे हैं ना, अभी महिंद्रा 10% नहीं काट सकता, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं गई है गाड़ी, तो 10% किस बात का काटेगा भाई, तो ये गाड़ी तो मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं है। सब केले की खेती देखो कितना मस्त। किस चीज का पेड़ है? लग रहा है कुछ पल्स का पेड़ होगा क्या? पल्सेस? हाँ पल्स का है, वो गूगल वो लेंस से देखो। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। गूगल लेंस तो अलग अलग चीज बताया, एक बार जावा प्लम बोला, फिर एक बार एलिफेंट कसावा बोला जो टेपियोका बोला, और एक बार अभी मैनी हॉट करके कुछ बोला। सो अगर आपको पता है क्या है ये बताइएगा। ये डैम रोड है, बानासुरा सागर डैम रोड, ये पूरे लाइन से होटल वगैरह है। टमाटर जैसे देखो क्या लगा है, इसे कहते हैं पैशन फ्रूट, याद नहीं है? पैशन येलो, येलो नहीं है, बिल्कुल ग्रीन है, बाद में थोड़ा सा येलो हो जाएगा। पैशन फ्रूट खाने से पैशन आता है, पैशन। अभी थोड़ा रुक जाएंगे फिर पैशन लेंगे एक साल बाद। ये है बानासुरा सागर डैम, थोड़ा सा दिख रहा है, कहीं रोक के ड्रोन शॉट ले लो ना। आगे एक रिजॉर्ट है, वो एक आइलैंड पे है इसके किनारे के, वहां से बहुत अच्छा दिखता है, देखते हैं। कौन सा रिजॉर्ट? यहाँ से व्यू दिख रहा है। रोड बहुत खराब है ये माउंटेन शैडो रिजॉर्ट जाने के लिए, और इवन कॉन्टोर वाली रोड, लेकिन व्यू बहुत ही जबरदस्त है। ये व्यू देखिए क्या जबरदस्त व्यू है, ये बानासुरा सागर डैम रिजर्वायर है, बहुत ही सुंदर है, और ये ऊपर है आपका ये माउंटेन शैडो रिजॉर्ट, ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है, तो हम लोग वहाँ तक चलते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो 3 किलोमीटर का ना? हाँ 3 किलोमीटर जंगल है, और दोनों साइड में मैंने देखा फेंसिंग लगा रखी है, तो रिजॉर्ट की जब एंट्री ऐसी है अंदर कैसा होगा, इन्होंने थोड़ा बाली स्टाइल रिजॉर्ट बनाया हुआ है। जाते हैं, हमें यहाँ पर स्टे तो नहीं मिला क्योंकि पेट फ्रेंडली नहीं है, बट जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि वी कैन गो टू द रेस्टोरेंट, थोड़ा चाय कॉफी पियेंगे, कुछ खाए आएंगे। आंटी अनलेस दे से नो सर, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। चेंज ऑफ प्लान्स, रिजॉर्ट यहाँ पे है, हम लोग बोले क्यों रिजॉर्ट जाना, यहाँ पे बढ़िया व्यू आ रहा है, तो आप लोगों के लिए यही से ही व्यू ड्रोन शॉट लेते हैं। भरोसा नहीं है डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, एक बार पानी में गया तो ड्रोन जाएगा, उठाने नहीं जा सकते हैं। उससे पहले बाकी फुटेजेस डाउनलोड कर लो, वो सब कर लिए हर बार डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे अगला जाए तो गिरा तो गया, बस कैश वाला आएगा लास्ट वाला, बाकी चला जाएगा। मान भी मस्त हो रही है।
अभी लगा दिया है लास्ट व्यू पॉइंट जो है वायनाड व्यू पॉइंट, 25 मिनट्स 8.5 किलोमीटर, और ये जो स्ट्रेच है 3 किलोमीटर का है, बिल्कुल जंगल के अंदर है, ऑफ रोडिंग है, मतलब यहाँ पर जानवर अनवर तो मेरे हिसाब से नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने देखा फेंसिंग लगी हुई है रास्ते में, और वहाँ पर लेपर्ड और किसी मतलब एक टाइगर का भी फोटो बना हुआ था, तो हो सकता होंगे कुछ जानवर आते होंगे यहाँ पर। ये देखिए पूरा एक अच्छा खासा जैसे अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसका व्यू है कि पानी है, देखिए चिड़चिड़ा रही है आवाज, ये सुनिए आवाज, और वो वहाँ पानी और बीच में वाले पेड़, बिल्कुल जंगल का माहौल है। एक बहुत बढ़िया सा फल दिखा हमें, समझ में नहीं आ रहा क्या है, रुकिए और ज्यादा जूम करता हूँ, क्या हो सकता है, इसको भी कमेंट करके बताइएगा क्या है ये फल। वैसे मैं ट्राई करता हूँ अपने गूगल लेंस से। वायनाड व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे एकदम पतला सा रोड है और पूरा खड़ी चढ़ाई। अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा, क्या लग रहा है, मेरी तो बैंड बज रही है पीछे बैठ के। आजो आगे आजो, टायर फिसल रहा है। बाप रे भैया, क्या कर रहे हो, जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी भाई? आउच, ओ गॉड, देख लो भाई, महिंद्रा महिंद्रा और योकोमा टायर्स। नहीं ये आ कहाँ गए हमको भी नहीं मालूम है। और ये कौन सा व्यू पॉइंट ले रहा है, व्हाई नॉट व्यू पॉइंट, वो देखो आगे गाड़ियां दिख रही है मुझे। तुमको किसी ने बोला था क्या यहाँ पे आने के लिए? नहीं हमने देखा था, लेकिन एक चीज है तुम्हें याद है जब हम लोग हिमाचल से जा रहे थे कहाँ पर, ये तुगासी और जीबी, कौन सा रोड पकड़ लिया था जहाँ पर हम लोग को लेपर्ड दिखा था, वैसे ही रोड है बिल्कुल, गाड़ी खड़ी पे टायर नाच रहे थे, अरे बाप रे पल्टी की आदत खराब। लेकिन महिंद्रा के इंजन में भरोसा रखना चाहिए और योकोहामा टायर्स। बस मुश्किल से यहाँ से जाना है, ये रोड बहुत पतला है, चढ़ा ले जा सकते हैं बोले? नहीं चाहिए, छोड़ो अभी टाइम भी होगा। देखो ना छोटा सा ही है, नहीं चाहिए। तुमको उस साइड से डर लग रहा था, इधर से तो चलिए चलते हैं। मुश्किल से 1 किलोमीटर यहाँ पर था ऊपर, बहुत ही पतली रोड और गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और वैसे भी पूछा एक से तो वो कह रहे वो ट्रैकिंग पॉइंट है, तो ऐसा कोई व्यू पॉइंट नहीं जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, तो हम बिल्कुल पतले पतले रास्ते में आ गए हैं, बिल्कुल सकरा रास्ता, और पल्ली डर गई तो हमने कहा चलो अब ज़्यादा नहीं डराते हैं, निकल लेते हैं। रोलर कोस्टर राइड हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी अपने रिजॉर्ट पे। अंधेरा हो गया है एंड टाइम इज 7:40। रोलर कोस्टर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ और इतना बॉडी रोल हो रहा है कि इस गाड़ी में कि क्या बताऊँ। तुमको इनोवा ले लेनी चाहिए। दिस कार इज ओनली मेड फॉर हाईवेज, नॉट फॉर द स्टेट हाईवेज। कर लो बुराई महिंद्रा की। हम महिंद्रा की बुराई नहीं कर रहे, तुमको नया खरीदना है ना तो अभी गाड़ी में 10 नुक्स निकालोगे तुम। स्कॉर्पियो में सॉफ्ट सस्पेंशन है, इतना नहीं पता चलता होगा। पता चलता होगा जो लोग महिंद्रा में फर्स्ट टाइम मतलब अपग्रेड किए हैं किसी दूसरी गाड़ी से, उनको लग रहा है, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि बहुत बॉडी रोल है ना। हम मेरे ख्याल से हम लोग अगर 500 से स्कॉर्पियो एन में जाएंगे तो शायद इतना पता नहीं चलेगा, इम्प्रूव ही लगेगा बॉडी रोल।
लगेगा स्विंग है, झूला झूल रहे हैं, बॉडी रोल होगा लेकिन झूला झूल रहे, कोई सडन जर्क नहीं मारेगा। बस उसी के लिए स्कॉर्पियो चाहिए, अभी सडन जर्क नहीं चाहिए। है आज भी स्पेस नहीं है हमारे लिए, जितने भी गुड फ्राइडे का छुट्टी जिनको जिनको नहीं मिला था सब सैटरडे आ गए हैं। लाइन से कर्नाटक का गाड़ी देखो। अब मैडम आर यू हंग्री, सुबह से भूखी हो ना, हम लोग भी भूखे थे। आज हमने और तुमने यारी निभाई है, दोनों पूरा दिन भूखे रह के कुछ भी ना खाया ना पिया। पिया तो है, पानी पिया तुमने, पानी पिया, थोड़ा सा दाना सुबह नाश्ते में तुम खाई और थोड़े से ब्रेड हमने खाए। वाह, तो क्या कहती हो, खाया जाए, शुरू करें फिर? Disclaimer: Please skip this video if you don't want to see non-veg items. शुरू करें। So, हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये देखिए बढ़िया हमारा टनाटन वाला आ गया है चिकन 65। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि केरला में चिकन 65 मींस कबाब्स। तो अगर कभी भी केरला आइए बोलिए चिकन 65, आपको मजा आ जाएगा अपने आइटम के साथ खाने में। आइटम मतलब बोले तो अपना पीने वाला आइटम ये वाला। सो पिक्सी, सबसे पहले पिक्सी खिला देते हैं। पिक्सी ने बेचारी हमारे साथ बहुत वेट किया। ठीक है, कैच इट, ओके, कैच, वेरी गुड, गुड गर्ल। पहले दबा के देखेंगे उसमें हड्डी हड्डी तो नहीं है कहीं। खा लो खा लो खा लो, तुम खा लो, नहीं खाना फिर लाओ, उनको दे दो, हमको दे दो, तुम्हें खा लो, खाओ या हमको दे दो, दो में से एक ही चीज होगा, गुर्रा नहीं, खाओ, टेक इट, गुड गर्ल, चीयर्स चीयर्स। चलो हम भी खाते हैं और मैडम, हमारी मैडम भी खाएंगे। लो हमारी मैडम, खा लो, ये हुई ना बात, खिला दिया, अभी वो फीड करा रही है, हम भी खा लेते हैं। एंड पिक्सी चीयर्स, सीधे कैमरे में देख रही है, हम लोग कैमरे में देख के बात नहीं कर पाते, सीधे कैमरे में यहाँ देख रही है लड़की। पिक्सी क्या हुआ, हो गया तुम्हारा खाना पीना? बोले स्टार्टर हुआ है, मेन कोर्स तो बाकी है। हाँ, स्टार्टर हुआ, मेन कोर्स बाकी है। टूथपिक दे क्या, दांत में फंस गया है क्या? टूथपिक दे कोई बोला। पिक्सी को भी घुमक्कड़ हो गई है, पूरा मार घुमा करती है, जब देखो घुमा करती है। बेटा तुमने मेरा सोफे पे दाग लगाया है, बहुत मरबो तोहका, समझियो क्या बोल रहे। कोई तो बोला कि हम भी लेके आए थे नया सोफा और एक ही दिन में मेरे जो जो फर बेबी था उनका ने पूरा चीर फाड़ कर दिया है। पिक्सी तुम तो ऐसा नहीं हो ना, उसी दिन देश निकाला कर देंगे, घर बाहर बैठोगे। तो कितने बार किए हो तुम, पिक्सी कितने बार घर से बाहर हुई है पिक्सी? पिक्सी जब छोटी थी, जब मैं नहीं थी, है ना, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मनीष ने कम से कम 3-4 बार घर से बाहर नहीं किया पिक्सी, पिक्सी को बाहर। एक बार तो सोसाइटी में ही रात भर बाहर रही, ये भाग गई और आए ना, हम बुलाए, आए ना, हने बेटा आज तुम बाहर रहो। सुबह 6 बजे सिक्योरिटी गार्ड आया, सर एक कुत्ता है नीचे खड़ा हुआ, मतलब पूछ हिला रहा है लेकिन डरा हुआ है, ये आपका तो नहीं? हमने कहा मेरा ये भेज दो, तब चुपचाप आ गई घर। पहले बहुत भागती थी, हमने कहा जाओ। नहीं भागती नहीं, एक बार तुमने भगाया था उसको। वो तब भगाया था जब इसने मेरे घर में एक बेड का गद्दा, पूरा बेड, सामने की अलमीरा, तुम्हारे बारे में बात, अलमीरा का जो फंटी होती है ना, शीशे के बगल में फंटी लगी होती है, वो तीन वाली अलमीरा वो फाड़ दिया और बालकनी का दरवाजा काट दिया। मतलब इतना बड़ा दरवाजा पूरा कट कर उसमें हमने सीमेंट लगवा के जोड़वाया। रेंटेड घर था, बता, वो भी मकान मालकिन मेरे ऊपर बिल फाड़ दी थी बहुत तगड़ा, कहीं 3,000 का हमारा मैट्रेस था और आपका जो ये नीचे का दीवान था ये 5,000 कुछ तो था, इसमें कटवाया, इसको सही करा दीजिए, बहुत बिल फाड़ा है। तभी मेरे को गुस्सा आया था, उनको कहा ऐसा है तुम निकलो, बाहर छोड़ आए थे, याद है तुम्हें पिक्सी? बाहर छोड़ दिया था तुमको हमने, गई नहीं ना? और फिर गई नहीं, वे चुपचाप बैठ गई, क्या लगता है आज मेरी सामत आई है। देखो कितनी इनोसेंट होके देख रही है, बहुत इनोसेंट हो ना तुम, बचपन में बहुत तबाही किया है, बहुत तबाही किया है, मतलब सोफा ओफा से लेके सब कुछ काट डाला था, जहां जहां दांत मार सकती थी। अभी भी कम नहीं है,
दे दो, एक चिकन दे दो, एक चिकन तो बस ये आखिरी है। बस अब ये आखिरी है, अब खाना खाना। तुम क्या बोल रही हो, क्या चाहिए? What do you want? एक साल रुको, हम भी तुम्हारा कंपनी देंगे। नहीं, तुमको मुर्गा नहीं खिलाएंगे। बहुत सारा अननेसेसरी स्टेरॉइड्स होता है, तुमको कोई मुर्गा टेस्ट नहीं करेंगे। You will be vegetarian. नहीं, तुमको या तो खाना हो तो देसी मुर्गा खाना, बिल्कुल वेज फेड। नॉन वेज खाने से पूरे बॉडी में स्मेल आ जाती है। हाँ नहीं, अब नहीं, पूरे बॉडी में स्मेल आती है। हाँ तो हम नहीं देंगे तुमको। यू विल बी द वेजिटेरियन गर्ल। गुस्सा हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वेजिटेरियन, तुम्हें तो वेजिटेरियन होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नॉन वेज नहीं बनाएंगे हम तुमको, वो हम ही लोग खाएंगे, तुम वेजिटेरियन बनोगी। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा नॉन वेज खिला देंगे। हाँ ठीक है, गुड गर्ल। ठीक है, थोड़ा नॉन वेज खिलाएंगे, क्या खाओगी? वेज फेड वाला ए, बाल पकड़ ली क्या? अच्छा, अब बाल तो अपना छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया, बाल छोड़ो। छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया बाल? आप तो छोड़ दिया, पता चला ना बेटा, बाल खींचने से खुद ही को दर्द होता है, दोबारा मत खींचना, समझ गई? समझी कि नहीं? हाँ समझ गई ना, ठीक है। ये आप पलटो 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 पलटो, हाँ ये पलट जाओ। कहते ना बेटा, तुम 6 महीने में बैठ जाओगी, कहो 7वें 8वें महीने में खड़ी हो जाओ, है ड्राइविंग सीट पे सीधा। डैडी, देखा, बोला बोला ना इसे डैडी। बोले पूरा कोशिश करे। क्या हुआ? क्या कर रहे हो यार? तो हमारा खाना आ चुका है, डिनर। सुबह से कुछ नहीं खाए थे, मतलब स्टार्टर अभी खाया, लेकिन ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद लंच नहीं किया। सो मस्त खाना अभी आ गया है, खाते हैं। सो देखिए क्या है। सो ये तो है, ओह फुल्का दिया है आज, उसी लिए टाइम लग गया शायद। सो फुल्का है, राइस है, एंड लेट्स सी क्या है। ओके, दिस इज दाल। फिर हमारा है ये, क्या क्या मंगाया था वैसे? हमने कोल्हापुरी और एक बटर चिकन बोला था। तो चलिए पल्लवी की भाषा में यलगार करते हैं और खाते हैं फिर हम लोग। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, बहुत थक गए हैं, फिर सो जाएंगे और फिर कल रिटर्न जर्नी है हमारा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, वायनाड का थोड़ा बहुत साइट सीइंग किए, व्यूज आपको अच्छा लगा, ड्रोन शॉट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और हमारे सब्सक्राइबर रेट बहुत ही कम है, तो अगर आप वीडियो हमारा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय 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 बाय।